जो बहुत गरीब तबका है, सबसे गरीब तबका, जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, घर में बिल्कुल अब चूल्हा जलना बंद हो गया है, ऐसे लोगों को सरकार खाना बना के खिला रही है। इसको हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर आज से हम बढ़ा रहे हैं। हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतजाम किया है। 325 हर स्कूल में कम से कम 500-500 लोगों के खाने का इंतजाम, दोनों टाइम 500-500 लोगों के खाने का इंतजाम किया है। जो एग्जिस्टिंग रैन बसेरे थे उन रैन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है। तो आज से अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे, आज से ये संख्या बढ़ के लगभग 2 लाख, 10 गुना आज से बढ़ा रहे हैं, 2 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और ये संख्या कल से बढ़ के डबल हो जाएगी। कल से हम 4 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और इसको भी हम जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर इन सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा दूर चल के ना आना पड़े। मैंने अपने सभी MLAs को बोला है कि सभी MLAs की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वो समाज के साथ मिलके इंश्योर करें। सरकार तो अपनी व्यवस्था कर ही रही है, समाज को, जैसे मैंने बार बार कहा, समाज को भी सामने आना पड़ेगा। समाज के साथ मिलके कोशिश करें कि कोई भूखा ना सोने पाए। जहाँ जहाँ और व्यवस्था करने की ज़रूरत है खाने की व्यवस्था करें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना तो खिला दें और कोरोना वहीं से फैलना चालू हो जाए। ये लॉकडाउन सारा बेकार हो जाएगा अगर हमने ये सेंटर्स के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की और यहाँ पे अगर कोरोना फैलना चालू हो गया। तो हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कई सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएँ साथ आई हैं। इस्कॉन वाले बहुत मदद कर रहे हैं, राधा स्वामी वाले बहुत मदद कर रहे हैं, गुरुद्वारे वाले बहुत मदद कर रहे हैं, वो सरकार की भी मदद कर रहे हैं और ख़ुद भी काफ़ी चला रहे हैं। और भी मैं किसी का अगर नाम लेना भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बहुत सारे और लोग बहुत मदद कर रहे हैं। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से जनता की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।